हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? तो मेरे चैनल पे आपका बहुत सारा स्वागत है, खूब खूब स्वागत है। और आज है थर्सडे और अभी दिन का टाइम है 2:20 या 2:30 हो गए होंगे, शायद 2:20 पे मैं आई थी अपने रूम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ इस वक्त अपने रूम में। ये साथ में हमारे यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ से रोशनी आती है। और इधर बाकी अगर मैं इस साइड को वीडियो शूट करूँगी तो अंधेरा अंधेरा सा दिखने वाला है। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मुझे ना कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि प्लीज़ आप बताइए कि हमें बालों को सोते हुए खुले रख के सोना चाहिए या फिर बांध के सोना चाहिए। तो मैंने कमेंट में भी इसका काफ़ी बार रिप्लाई किया है। और सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपने बाल लंबे किए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, आप बाल लंबे रखें या छोटे रखें, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारे बाल जो हैं वो रात के समय बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो अगर हम उनको ना खुले रख के सोते हैं तो उसके हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है? तो आज मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ही एक वीडियो बना देती हूँ, छोटी सी एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये बना रही हूँ मैं। और वैसे भी पुराने टाइम में भी होता था ना कि रात को जब बोलते थे कि बालों को कंघी नहीं करते, ये बहुत पुराने टाइम से मान्यता चली आ रही है कि रात में बालों में कंघी नहीं करते। तो उसका कारण कुछ है, वो साइंस ने तो अब बताया, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने वो बहुत सालों पहले बता दिया है कि रात को कंघी नहीं करते। तो उसका कारण क्या है? रात को कंघी हम करते हैं, रात को जो होता है ना, हमारे बाल होते हैं वो नमी खोते हैं, ठीक है? तो रात को जब हम सोते हैं तो जैसे हमने कुछ भी पिल्लो लिया होता है, कॉटन का होता है, उसमें रुई होती है, फाइबर जो भी होता है, तो वो होता है ना, वो हमारे बालों से नमी सोख लेता है और जितनी भी ऑयल होती है ना उसको भी सोख लेता है। तो अगर जब आप सुबह उठ के देखते होंगे ना, तो आपका पिल्लो कई बार थोड़ा ऐसा लगता है जैसे मॉइस्चर सा है उसमें। तो जो भी हमारे एयर में मॉइस्चर होता है ना उसको वो पिल्लो सोख लेता है, ठीक है? तो रात के टाइम हमें बाल खुले रख के बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बालों का मॉइस्चर होगा और जो भी उसकी नमी होगी, ऑयल उसमें होगा, उसको वो पिलो सोख लेता है, और जिससे हमारे बाल क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और सुबह जब हम उठ के कंघी करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं और टूटते भी हैं। तो हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम रात को जो बाल खुले रख के सोते हैं, तो रात को बाल ना कभी भी खुले रख के नहीं सोना चाहिए। हमें बालों को हमेशा अच्छे से बांध कर ही सोना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो बाल हैं ना उनको जब खुले होते हैं ना, तो हम कितनी बारीक करवट बदलते हैं, इधर उधर देखो, है ना? तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो एक ही साइड सोते हैं, मतलब रात को हम कई बारीक करवट बदलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं ना वो उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि वो मसल जाते हैं इधर उधर और उलझ जाते हैं बुरी तरह से, और जो भी उसका थोड़ा बहुत मॉइस्चर उनमें बचा होता है ना वो सारा मॉइस्चर उड़ जाता है, और जो पिलो होता है वो सोख लेता है, और ब्लैंकेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम लेते हैं वो सोख लेता है। तो इसलिए बालों को हमेशा ही बांध के अच्छे से आप चोटी बना दीजिए। अगर आप पीछे नहीं कर सकते हैं, जैसे कईयों को होता है ना कि पीछे सोते हुए दिक्कत होती है जो सीधे सोते हैं, तो या तो आप एक साइड होती है ना जो चोटी, आप वो बना लीजिए, या फिर आप दो भी बना सकते हैं इधर उधर, तो आपको सोने में भी दिक्कत नहीं आएगी और जो आपके बाल हैं वो भी बहुत ही अच्छे, हेल्दी और कम टूटेंगे आपके बाल, बहुत ही अच्छे बने रहेंगे आपके बाल। तो छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी, और बालों को शाइनी और उनको बहुत ही अच्छा नरिश्ड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों की अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, और 2 बार आपको रूट्स में उनके बहुत ही अच्छे से ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, मैंने एक स्पेशल ऑयल जो है उसकी वीडियो डाली हुई है, और वो ऑयल 100% वर्क करता है गाइस, आप उसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और मैं भी ज़्यादातर होम रेमेडीज़ ही यूज़ करती हूँ। मेडिसिन खाने से अच्छा है कि हम ज़्यादातर होम रेमेडीज़ जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं उसको यूज़ करें, तो उससे हमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, और हमें उससे फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। तो बस यही मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी, मुझे लगा कि मुझे
मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट आ चुकी है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी बालों की वीडियो डाली हुई है और मुझे ना ड्राई हेयर कॉम की वीडियो भी आई हुई है, तो वो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। और वो और भी बहुत सारी रिक्वेस्टें आई हुई हैं, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं थोड़ी थोड़ी करके सभी की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, जैसा जैसा मुझे टाइम लगता है तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ इसी तरह से मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार कीजिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और बाय बाय।